रंगोली गार्डन स्थित ऋषिता पंकज भार्गव द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमती लक्ष्मी देवी की यादगार में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इसमें स्मार्ट एंड साइनी सैलून, श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति एवं संतोकाबाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल ने मिलकर यह आयोजन रखा। साथ ही हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन रखा गया। वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रक्तदान महादान है, इसी प्रेरणा के साथ जयपुर एड्स ने रक्तदान में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि साल में 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, मैं ऋषिता भार्गव और आज ये ब्लड डोनेशन हमने कैंप लगाया है। मेरी मदर के नाम से लक्ष्मी देवी शर्मा, प्रथम रक्तदान शिविर है ये। और 31 को अब आज हम लोग गुड बाय, पूरे साल का गुड बाय जब हम कह रहे हैं तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कॉज हो सकता है इस साल को अलविदा कहने का। और ये हम आगे भी हम लोग ये जारी रखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी हम लोग इस मुहिम में जुड़े रहें। और रक्तदान करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक आपका एक यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचा सकता है। प्लस आपके खुद के लिए इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको बचाव मिलता है। प्लस आपकी ब्लड, आपके इम्यून सिस्टम में बहुत बेनिफिट आपको हो सकता है, बहुत इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है इसके साथ में। और सबसे बड़ी जो बात है, एक आपको मेंटल पीस, जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि आपका रक्त 3 लोगों की जान बचा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई एक 31 दिसंबर नहीं हो सकता, इस साल को अलविदा कहने का तरीका इससे अच्छा नहीं हो सकता। और आप लोग ज़रूर रक्तदान किया करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम पंकज भार्गव। आज 31 दिसंबर को हमने सोचा है, मेरी मदर एंड लॉ लक्ष्मी देवी शर्मा, उनकी याद में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। तो हर एक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम बहुत खुश हैं कि हम अपना ब्लड देते हैं, जो जीवन दान देता है औरों को। एक ब्लड, जब हम एक यूनिट ब्लड देते हैं, वो 3 जनों के काम आता है और अलग अलग जीवन दान सबको मिलता है। तो आप भी इस मुहिम में जुड़िए और ब्लड डोनेट कीजिए, ताकि हम लोगों के लिए एक मिसाल बने और एक स्रोत बने जीवन देने के लिए। धन्यवाद। आज का ये जो रक्तदान शिविर है श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा जी के याद में जो इन्होंने किया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है अपनी माँ को श्रद्धांजलि और उन्हें याद करने का। इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। इस ब्लड से, इस ब्लड कैंप में जो ब्लड जिन्होंने दिया है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति की तरफ से मैं हूँ और हम जो ब्लड इन्होंने दिया है, इससे कई लोगों की जान बच सकती है। एक ब्लड यूनिट से 3 जनों की जान बचती है। इसमें से ब्लड में से प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा सेल्स और ब्लड 3 लोगों को चढ़ा सकते हैं और इसका बेनिफिट। और ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जो जिन्होंने ब्लड दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने लगाया है उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू। और नए ब्लड डोनर से ले क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? भाई ऐसा है, ब्लड डोनेशन के लिए समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अपन जो ब्लड, अगर अपने शरीर में जो ब्लड बनता है वैसे भी डेड जाता है, वो अपने बर्न हो जाता है। इससे अच्छा है नया ब्लड देंगे। जब ब्लड आप देंगे, एक ब्लड यूनिट आपने निकाल लिया, तो जो नया ब्लड बनता है वो नए प्रोसेस के बनता है, उससे उसके बहुत बेनिफिट हैं। आपके शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आएंगे, और ये जो ब्लड 3 लोगों को मिलेगी, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो भी काम आएंगे। बहुत अच्छी बात है, ब्लड डोनेशन में कैंप में जाके और ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी की जान बचानी चाहिए। ये भी एक समाज हित में काम है, समाज के लिए बहुत बढ़िया काम है। थैंक यू।